दोस्तों, ये पीबी शैले की पोएम टू स्काईलार्क का पार्ट 3 है, जिसके दो पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। दो पार्ट्स का मतलब मैंने दो पार्ट्स के अंदर लगभग 10 स्टैंजास को कवर कर दिया था इस पोएम के। बाकी के बचे हुए स्टैंजा जो बचे हैं, 11 स्टैंजा बचे हैं, 21 स्टैंजा की ये पोएम है, तो बाकी के बचे हुए स्टैंजा को मैं आज कवर करूंगा। दोस्तों, ये पोएम मैंने 8 महीनों पहले शुरू की थी, दो पार्ट्स डाल करके मैंने इसको आधा छोड़ दिया था। दोस्तों, इस वक्त आपको बहुत ज़रूरत है इस वीडियो की, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, इस पोएम में टोटल 21 स्टैंजा हैं और हमारी पोएम आज शुरू होगी 11वें स्टैंजा से, यानी कि हम लोग आज की इस वीडियो में 11 स्टैंजा को डिस्कस करेंगे बचे हुए। लाइक अ रोज एम्बावर्ड इन इट्स ऑन ग्रीन लीव्स, यानी कि एक गुलाब के फूल की तरह जो अपनी हरी पत्तियों से घिरा हुआ है। एम्बावर्ड का मतलब है यहाँ पर दोस्तों घिरा हुआ होना। By warm winds deflower till the scent it gives. तो गर्म हवा आती है उस फूल की खुशबू, जो वो फूल दे रहा है उसकी खुशबू को गर्म हवा उससे छीन लेती है, deflowered कर देती है उसको। जो scent वो दे रहा है उससे उसकी scent छीन लेती है वो गर्म हवा, और उसको faint कर देती है उस flower को। Makes faint with too much sweet those heavy winged thieves. तो इसलिए यहाँ पर गर्म हवा को हैवी विंग्ड थीव कहा है, मतलब भारी पंखों वाला चोर। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पोएट पर्सोनिफाई कर रहा है हवा को। वो गर्म हवा उस फूल के पास आती है एक हैवी विंग्ड थीव बनकर, और उसकी खुशबू को उससे छीन लेती है, लेकिन वो हवा चारों तरफ माहौल में वो खुशबू फैला देती है उस फूल की। अगले स्टेंजा में बोलते हैं पोएट, साउंड ऑफ वर्नल शावर्स। वर्नल शावर्स मतलब स्प्रिंग के शावर्स, यानी कि स्प्रिंग के टाइम पे जो बरसात होती है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे पॉइंट। द ट्विंकलिंग ग्रास, स्प्रिंग के टाइम पर जो बरसात होती है उसका साउंड। ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास मतलब बारिश की बूंदें घास पर जो चमकती है, तो घास ट्विंकल करती है ना, उसकी बात हो रही है। रेन अवेकेंड फ्लावर्स, यानी कि बरसात के टाइम पर जो फूल जागते हैं, तो यहाँ पर भी फूलों को पर्सनिफाई कर रहा है यहाँ पे पॉइंट। फूल सोते ही कब हैं जो जागेंगे, तो बरसात के टाइम पर ही जो फूल जागते हैं। ऑल दैट एवर वाज, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, पॉइंट कह रहा है यहाँ पर, जो सारी चीज़ें मैंने ये अभी बताई, जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश दाय म्यूजिक डज सरपास, ये सब चीज़ें जॉयस है, क्लियर है, फ्रेश है, लेकिन तुम्हारा म्यूज़िक इससे भी सरपास है, यानी कि इससे भी बढ़कर है। जो ये सारी चीज़ें मैंने अभी बताई उन सबसे बढ़कर है तुम्हारा म्यूज़िक, स्काईलार्क की आवाज़। यहाँ पर पार्ट इन सब चीज़ों से स्काईलार्क की आवाज़ का कंपैरिजन कर रहा है। टीचर्स स्प्राइट और बर्ड, तुम कोई स्पिरिट हो या फिर कोई बर्ड हो, मुझे टीच करो, हमको टीच करो, हमको सिखाओ कि जो तुम इतना मीठा गा रही हो, व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, इसके पीछे तुम्हारे क्या स्वीट थॉट्स हैं। अगर ऐसा गाना गाना है तो कुछ अच्छा सोचना भी तो पड़ेगा, कुछ मीठा सोचना भी तो पड़ेगा। आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन, इतनी मीठी आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी, ना तो प्यार की तारीफों में प्रेज ऑफ लव और वाइन, और ना ही शराब के नशे में। दैट पेंटेड फोर्थ ऑफ लव ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, यानी कि तुम्हारे सॉन्ग में इतना रैप्चर है, इतना उत्साह है, रैप्चर का मतलब होता है उत्साह, एनर्जी है, जो फ्लड की तरह, फ्लड मतलब बाढ़ की तरह ओवरफ्लो कर रहा है, बड़ा डिवाइन है तुम्हारा ये सॉन्ग जो है। कॉरस हिमेनियल और ट्रायम्फुल चांट, ये दोनों ही दोस्तों गाने हैं, यानी कि ये जो कॉरस हिमेलियल है इसका मतलब होता है शादी पर लोग इकट्ठे होकर जब गाना गाते हैं वो हो, या फिर ट्रायम्फुल चांट इसका मतलब किसी की विक्ट्री को, जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ गाया जाता है। तो ये दोनों ही टाइप के गाने, मैच्ड विद दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वांट, मतलब कि स्काईलार्क को बोल रहा है पॉइंट यहाँ पे कि अगर तुम्हारे गाने से मैं इन दोनों गानों को कंपेयर करूं तो ये एकदम मीनिंगलेस से लगते हैं। यहाँ पर एम्प्टी वांट का मतलब है एकदम शेखी मारना, खाली शेखी मारना। अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट, मतलब कि इन एम्प्टी वांट के अंदर, इन मीनिंगलेस सॉन्ग्स के अंदर एक ऐसी चीज़ लगती है जैसे कोई हिडन वांट हो, मतलब ये सॉन्ग्स हमको ऐसा फील करवाते हैं दैट देयर इज समथिंग मिसिंग, देयर इज सम हिडन वांट। आगे पॉइंट बोलता है व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन ऑफ द हैप्पी स्ट्रीम, यानी कि मैं जानना चाहता हूँ कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं
द फाउंटेन्स, यानी कि फाउंटेन्स यानी कि ओरिजिन्स ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन, यानी कि तुम्हारे इस हैप्पी मेलोडियस सॉन्ग का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। फाउंटेन्स का मतलब है दोस्तों ओरिजिन, कहाँ से पैदा हो रहा है तुम्हारा ये सॉन्ग। व्हाट फील्ड्स, वेव्स और माउंटेन्स, क्या इंस्पायर करता है तुम्हें ऐसा सॉन्ग गाने के लिए, फील्ड्स, वेव्स, माउंटेन्स। व्हाट शेप्स ऑफ स्काई, या फिर आसमान में ये जो शेप्स बनती है बादलों की वो, या फिर प्लेन स्काई और प्लेन, और प्लेन का मतलब या फिर प्लेन स्काई। व्हाट लव ऑफ दाइन ऑन काइंड, या फिर तुम भी, इस लाइन को ढंग से समझना, या फिर तुम भी अपने ही जैसे किसी दिखने वाले बर्ड से प्यार करती हो। व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, या फिर कौन सा तुम्हारे अंदर दर्द है जो तुम्हें पता नहीं। ये सब चीजें पॉइट स्काईलार्क से पूछ रहा है। विद द क्लियर कीन जॉयंस लैंगर कैन नॉट बी, यानी कि यहां पर अब पॉइट बिल्कुल ही पलट गया, लेकिन तुम्हारा गाना तो इतना क्लियर कीन और जॉयफुल है कि लैंगर, लैंगर का मतलब है दोस्तों दर्द, दर्द तो नहीं हो सकता, ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें कोई दर्द होगा। शेडो ऑफ अनॉयंस नेवर कम नियर दी, यानी कि दुख और तकलीफों की छाया भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। Thou lovest but never knew love's sad satiety, तुम प्यार को फील तो कर सकती हो लेकिन प्यार के दर्द को, sad satiety को नहीं। Waking or sleep, यानी कि सोते हुए या जागते हुए। Thou of death must dream, यानी कि तुम death का true nature समझ सकती हो जागते हुए या सोते हुए। Deem का मतलब है दोस्तों यहाँ पर understand, समझना, और इस line का मतलब है you can understand the true nature of death। Things more true and deep than we mortals dream, ये mortals word जो है ये इंसानों के लिए यूज़ हुआ है कि हम इंसान तो एक दिन मर जाएंगे, हम लोग mortal हैं और जो सपने हम लोग देख सकते हैं तुम उससे deep और true सपने देख सकती हो, क्योंकि तुम और तुम्हारा music immortal है, अमर है। और how could the notes flow in such a crystal stream, इसलिए तुम्हारा ये जो गाना है ये किसी crystal stream की तरह बहता है, क्योंकि तुम्हें death की फिक्र नहीं है, तभी तुम्हारा गाना इतना crystal clear है, साफ है, शुद्ध है। We look before and after, जबकि हमको आगे का पीछे का सब कुछ देखना पड़ता है, past और future सब कुछ देखना पड़ता है। And pine for what is not, pine का मतलब है दुखी होते हैं उस चीज़ के लिए जो हमारे पास नहीं है, और हम लोग दुखी होते हैं उस चीज़ के लिए जो हमारे पास नहीं है। Our sincerest laughter with some pain is fraught, मतलब हमारी तो इस हंसी के पीछे, sincerest laughter के पीछे भी कोई दर्द भरा रहता है, fraught का मतलब भरा रहना। Our sweetest songs are those that tell of saddest थॉट, और हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग्स जो हैं वो भी हमारे दुखी थॉट्स को बताते हैं, यानी डेथ का थॉट बताते हैं। यस, इफ वी कुड स्कॉर्न हेट एंड प्राइड एंड फियर, दोस्तों यहाँ पे स्कॉर्न वर्ड इग्नोर करने की सेंस में लिया गया है, तो यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है कि अगर अभी हम ह्यूमंस इग्नोर करें, स्कॉर्न करें यानी कि इग्नोर करें इस हेट प्राइड और फियर को, इफ वी वर थिंग्स बॉर्न, अगर हम इन सब चीजों के बिना ही पैदा होते तो, नॉट टू शेड अ टीयर, और अगर एक भी आंसू ना बहाते तो, आई नो नॉट हाउ दैट जॉय वी एवर शुड कम नियर, तो मैं नहीं जानता कि कब तक हम तुम्हारे लेवल ऑफ जॉय तक पहुंच सकते, यानी कि ये सब चीजें करने के बावजूद मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंच सकता। दरअसल हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि हम लोग तो ह्यूमन हैं, हमें ये सब चीज़ें चाहिए पेन और सौरव जिंदा रहने के लिए, हमें चाहिए ये चीज़ें पेन और सौरव। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, यहाँ पर वही बात स्काईलार्क से फिर से बोल रहे हैं यहाँ पर पॉइंट कि तुम्हारा सॉन्ग बेटर है सारे डिलाइटफुल म्यूजिक से। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, और उन सब खजानों से बेहतर है जो बुक्स में हमें मिलता है, यहाँ पर ट्रेजर्स का मतलब है खजाना। द स्किल्स टू पॉइट वर, तुम्हारी ये जो गाना गाने की स्किल है उसके सामने पॉइट भी कुछ नहीं है, यानी कि इवन मैं जो कविता लिख रहा हूँ वो भी कुछ नहीं है। द उस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, इसलिए तुमसे इस ग्राउंड पर सब जलते हैं। अब ये लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का, पॉइट यहाँ पर बोल रहे हैं टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, कि मुझे टीच करो, मुझे सिखाओ। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट द ब्रेन मस्ट नो, मुझे सिखाओ ताकि जो ये ग्लैडनेस, जो हैप्पीनेस, ग्लैडनेस का मतलब हैप्पीनेस, तुम्हारा माइंड फील कर रहा है, द ब्रेन मस्ट नो, जो तुम्हारा दिमाग माइंड फील कर रहा है वो हैप्पीनेस, वो ग्लैडनेस आधी मैं भी फील करना चाहता हूँ,
वो ग्लैडनेस आधी मुझे भी चाहिए। आगे पॉइंट बोल रहे हैं, सच हारमोनियस मैडनेस माई लिप्स वुड फ्लो, कि किस तरह से हारमोनियस मैडनेस वाला साउंड मेरे लिप्स से निकलेगा जब मैं भी तुम्हारी तरह गाना गाऊंगा। द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ, और तब ये दुनिया, ये पूरी दुनिया मेरे सॉन्ग को सुनेगी जैसे अभी मैं तुम्हारे सॉन्ग को सुन रहा हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है।